एवरीवन, वेलकम टू क्विक रेसिपी बाय अर्चना। दोस्तों, आज हम बनाएंगे पिकल मसाला। इसे गुजराती में गुजराती संभार भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। पिकल मसाला बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो इस तरीके से है। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून जितना हींग लिया हुआ है। रेड चिल्ली पाउडर मैंने 1/2 बाउल जितना लिया है। ऑयल 1 बाउल, टर्मरिक पाउडर 1/2 टेबल स्पून, मस्टर्ड सीड्स, येलो मस्टर्ड सीड्स है वो मैंने 1 बाउल लिया हुआ है। स्प्लिट मेथी सीड्स है, येलो मेथी, इसे गुजराती में मेथी ना कुरिया बोला जाता है। 1/4 बाउल मैंने सॉल्ट लिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं पिकल मसाला कैसे बनाया जाता है। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें मैं मेथी दाने को ऐड कर देती हूँ, साथ में राई के दाने को ऐड कर देंगे, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और हींग। सॉल्ट को भी साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे। ये ड्राई मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और फिर एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अच्छे से इन मसालों को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में ले लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसे एक बाउल में ले लिया है और इस तरीके से गुजराती मसाला संभार मसाला बनके तैयार है। पिकल मसाला भी इसे बोला जाता है। आप इसे चाहे तो ऐसे ही खा सकते हो दाल राइस के साथ, या फिर इसे पिकल में ऐड कर सकते हो, जैसे कि हरी मिर्च का अचार या फिर मैंगो अचार में इस मसाले को ऐड कर दीजिए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।